नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकर नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर। गुड मॉर्निंग। मेरा जो लास्ट लॉक था उसमें मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हम मिलेंगे भूटान में, बट ऑल बिकॉज ऑफ कोविड भूटान तो हो नहीं पाया, तो मैं चला गया केदारनाथ बद्रीनाथ माना। बहुत अच्छी राइड थी, बहुत मज़ा आया, कुछ अप्स एंड डाउन्स थे। तो मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि वहाँ पे क्या ज़रूरी है आपको गाइड के लिए। तीन चीज़ें वहाँ जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपके पास कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए विद प्रिंट। फ़ोन में लेके जाएंगे तो दिक्कत होगा, आपको प्रिंट लेके जाना पड़ेगा। उसके साथ आपके पास ई पास होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, आपका आधार कार्ड। मेरी सजेशन ये है कि आप तीनों का प्रिंट निकाल के उसका कॉपी साथ लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी जगह पे चेकिंग होगी, आपको बार बार पूछेंगे, बार बार आप एक चीज़ निकालोगे प्रॉब्लम होगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप सबका एक कॉपी करके लेके जाएं। एंड गाइस बिलीव मी, कोविड टेस्ट ई पास सब कुछ लेके जाना। ये मत सोचना कि वहाँ चले जाएंगे, एंट्री हो जाएगी, पैसे दे देंगे। बहुत चेकिंग कर रहे हैं वो लोग, थॉरली चेक कर रहे हैं, बिना पेपर्स के आपको जाने नहीं देंगे। आप वहाँ तक जाओगे और आपका ट्रिप कैंसिल हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें लेके ज़रूर जाना है आपको, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। और एक और सजेशन है कि जनरली लोग हरिद्वार के रास्ते से जाते हैं, लेकिन अगर आप कोटद्वार से जाएंगे तो दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है। वहाँ से जाओ, सबसे पहले आपकी चेकिंग कोटद्वार में होगी, वहाँ पर आपकी एंट्री होगी, वहाँ पर आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप आपको बहुत संभाल के रखनी है वापस आते हुए जाते हुए दोनों टाइम। ये चीज़ें ध्यान में रखते आप जाएंगे, आपका ट्रिप बहुत अच्छा होगा। सेकंड थिंग, गुप्त काशी से लेके और सोनप्रयाग तक का रास्ता बहुत ख़राब है, तो कोशिश करना उजाला होने से पहले उसको ख़त्म कर लो। जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाओगे, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है, बहुत जगह पर आपको GCB मिलेंगे, बहुत रूट ब्लॉक मिलेंगे, रास्ता बहुत ख़राब है, धूल दस सब मिलेगा। तो बद्रीनाथ जाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगेन पेपर्स पूरे करके जाना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो आगे कैसे हमारी जर्नी हुई, कहाँ से हमने स्टार्ट करी, कहाँ हमने एंड किया, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। बोले बाबा के दर्शन यही होंगे। आप किधर? चला अब केदारनाथ। हम अभी राहुल की वेट कर रहे हैं, जैसे ही राहुल आएगा उसके बाद निकलते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आपको। जय भोले बाबा। अपने फर्स्ट स्टॉप पे कोटद्वार, जहाँ पे अभी यहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा है और जो फॉर्मेलिटीज हो रही हैं वो करनी है। चलो करते हैं। हमने कोटद्वार से रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब हम यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। मेरे है बिस्कुट लाया, कम दे रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कर रहा है तू? फोन चार्ज कर रहा हूँ। क्यों? रास्ता आपको लीड करना है ना। राहुल भाई, क्या ख्याल है आपका अभी तक के बारे में? मैं बोलो भाई, क्या ख्याल है अभी तक के रास्ते तक? बढ़िया। नहीं रिकॉर्डिंग बढ़िया, अभी स्टार्ट हुई है, पहाड़ स्टार्ट हुई है, यहाँ से चलेंगे, लग जाएगा एक दो तीन घंटे। ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो ब्रेकफास्ट तो क्या लाइव वो लंच ही हो गया। अब चाय की वेट कर रहे हैं, चाय पी के निकल जाएंगे और अपने रूम में रहेंगे। बहुत इमरजेंसी होगी, पॉटी वोटी आएगी। एक मिनट अभी होड़ा आया है, नहीं आना, डिले हो गई है। नहीं नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये उसकी बाइक के बच्चा हो गया। कुछ ना आया, एक रॉड निकली है।
रॉड निकल गई, मक्खन चल रही है भाई, कहाँ से निकली रॉड? जेसीबी की वजह से आगे नहीं जा पा रहा। अभी हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर पहले। 4:30 बजे हम लोग गुप्तकाशी में थे और हम लोग यहाँ पे 7:30 बजे पहुंचे हैं। इतना खराब रास्ता, स्लिपरी रोड, 5 किलोमीटर पर आज से ज़्यादा की स्पीड पे हम बाइक नहीं चला पाए। 3 घंटे सिर्फ 20 किलोमीटर को कवर करने में लग गए। चलो ये भी एक एक्सपीरियंस था। कल देखते हैं क्या है। अभी हम खाना खाएंगे, डिनर हो रहा है, अभी डिनर करेंगे, रात को पार्टी वार्टी करेंगे, ठीक है। अब इस समय 9 बजे आराम से उठ के केदारनाथ, 6 बजे कनेक्शन, कनेक्शन 6 बजे सुबह से फोन पे लगा हुआ है और घर वालों का फोन आता तो कहता है कि इंटरकॉम पे बात नहीं हो पाते है, लेकिन जब देखो तब फोन पे बात ही करता होता है। बता रानी किससे बात करता है। तो अब हमारे यशस्वी गुलाटी अपने कुछ फीलिंग शेयर करेंगे, नहीं करने वाले विचार प्रस्तुत करेंगे, विचार ही नहीं अपने पास, ये बताएंगे। सुबह सुबह 9 बजे उठेंगे आराम से। नहीं आप वो बताओ जो आप वो कह रहे थे वो बताओ ना। 9 बजे उठेंगे आराम से। 9 बजे नहीं भाई साहब, 5 बजे उठा दूंगा, 6 बजे नहीं करना होगा। ओके बाय।